कौन सी जगह है यार? मलेरिया? अरे यहाँ मच्छर मच्छर देख, इधर मलेरिया जगह है और आगे जगह आएगा टाइफाइड, समझ रहे हो आप? टाइफाइड आएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज सुबह सुबह रेडी होकर मैं निकल चुका हूँ जाजपुर के लिए। तो भाई, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि भाई मैं बहुत बिजी रहता था, और आज थोड़ा फ्री हूँ और आज जा रहा हूँ मैं जाजपुर। तो भाई, ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये रीजन तो मैं आपको नहीं बता सकता, ये थोड़ा पर्सनल है। तो गाइस, मैं अभी कटक पे हूँ और मैं जहाँ जा रहा हूँ वो यहाँ से मतलब 100 किलोमीटर दूर होगा, 100 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। तो मुझे शायद 2 घंटा लग जाएगा पहुँचने के लिए। भाई मतलब भाई, आप ये देख सकते हो भाई कितना लगेज लेके मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है? ये देखो भाई कितना लगेज है, और ये मेरा हेलमेट है, और ये भाई इसको लेके मैं जा रहा हूँ 100 किलोमीटर दूर। भाई बहुत मज़ा आने वाला है आपको, आप लोग ब्लॉग को मतलब एंजॉय करते रहे ना, हम लोग भी राइड को एंजॉय करते हैं। तो भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है भाई, बहुत स्पेशल, क्योंकि मतलब मैं आपको ये नहीं रीज़न तो नहीं बता सकता भाई, लेकिन मतलब ऐसा कुछ तो है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है? ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, तो ये थोड़ा बहुत पर्सनल है, मतलब बहुत पर्सनल है, ठीक है? तो भाई मेरा लाइफ में मतलब ऐसा कुछ हुआ है जिसके लिए मतलब ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, ठीक है ना? तो ऐसा तो कुछ हुआ है मेरे लाइफ में, तो क्या बताऊँ आपको यार, सब कुछ तो नहीं बता सकते हैं ना, तो बस रहने दो भाई, यही तो लाइफ है। लाइफ में मतलब ऐसा तो सबके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ठीक है? गलत मतलब गलत नहीं, लेकिन मतलब क्या बताऊँ आपको यार, ऐसा मतलब मैं खुल करते नहीं बता सकता। तो चलो भाई चलते हैं, अभी टाइम कितना बजा है भाई देख सकते हैं आप यहाँ पे, 10:27 हो चुका है, तो मुझे 1 बजे तक पहुँचना है, मतलब कहाँ केउंझर पहुँचना है, ठीक है? 1 बजे तक, तो देखते हैं भाई कितने बजे हम लोग पहुँचते हैं, और चलो भाई चलते हैं, ठीक है? लाइफ में भाई ऐसा तो होता रहता है। तो भाई कभी टाइम मिले ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना? कभी अगर मुझे टाइम मिले तो, ठीक है? और भाई ये ब्लॉग ना मेरे लिए इतना स्पेशल है तो मैं आपको बता नहीं सकता यार, बहुत स्पेशल है ये ब्लॉग मेरे लिए। तो इसको मैं सेव करके ज़रूर रखूँगा भाई, लाइफ में ज़रूर देखूँगा इसको, ठीक है? और भाई बहुत स्पेशल होने वाला है ये ब्लॉग मेरे लिए, ठीक है ना? तो चलो भाई चलते हैं, राइड को एंजॉय करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ आगे, तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहना। तो चलिए चलते हैं। तो भाई मैं हेलमेट पहन के रेडी हो चुका हूँ, अभी राइड करने वाले हैं इसको, तो चलो भाई चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, मैं आगे आपसे मिलता हूँ, और ऐसे ही हम बातें करते जाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। तो चलो भाई चलते हैं, बाय बाय। तो भाई मैं अभी यहाँ पे ये गोली छक पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे पूछते हैं कहाँ पे रोड है आनंदपुर के लिए, देखते हैं। और यह है गोली छक, यहाँ से जाना पड़ेगा किधर पता नहीं भाई, यहाँ से सीधा है, सीधा जाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलो चलते हैं, और आप लोग भाई ब्लॉग को एंजॉय करते रहना, ठीक है? चलो भाई सीधा चलते हैं, देखते हैं कितना दूर है। और भाई और तो शायद 20-30 किलोमीटर दूर होगा, पता नहीं यहाँ से कितना दूर है, लेकिन भाई देखते हैं। भाई मैं आते वक्त मेरा गाड़ी खराब हो गया था, पता नहीं भाई क्यों रुक रुक के चल रहा था ऐसे, भाई पेट्रोल फुल है एकदम, लेकिन भाई गाड़ी ऐसे रुक रुक के चल रहा था। तो वहाँ पे रुक के मैकेनिक को दिखाया, तो उन्होंने ठीक कर दिया, तो फिर आया मैं। भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है यार, भाई मैं जैकेट लाना भूल गया, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। इस साइड से शायद जाते हैं, देखते हैं। भाई मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आया हूँ, मतलब रास्ता भी भूल गया मैं। भाई इस साइड से जाना पड़ेगा, इस साइड से रास्ता है। यहाँ से सीधा भाई आते वक्त अगर टाइम होगा तो भाई घूम के जाएंगे जरूर,
यहाँ पे क्या है, केउंझर का घटगा है और एक क्या टेंपल है, घूम के जाएंगे, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अगर टाइम हुआ तो। ठीक है भाई, 100 किलोमीटर ड्राइविंग करके मतलब मेरा हाथ का मतलब पेन हो रहा है यहाँ से। और वो ठंड भी लग रहा है बहुत ज़्यादा भाई। जब मैं 19 पे था ना भाई, 100 पे जा रहा था और ठंड भी भाई बहुत लग रहा था भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। सुबह सुबह उठ के मैं एकदम नहा के निकल गया, जैकेट लाना भूल गया भाई। हम स्लो स्लो चलते हैं, लेकिन अगर आगे चले जाएंगे तो फिर घूम के आना पड़ेगा भाई। भाई ये ब्लॉग जब मैं डालूंगा ना तो इसको मैं सेव करके जरूर रखूंगा भाई, क्योंकि ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये ब्लॉग मेरे लिए। तो इसका प्ले लिस्ट में डालूंगा स्पेशल ब्लॉग, मेरे लाइफ का ये बहुत स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। आप लोग भाई एंजॉय करते रहना भाई। पता नहीं भाई गाड़ी क्यों रुक रुक के चल रहा था, मतलब ऐसे चलते चलते रुक जाता था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था भाई। भाई भूख भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब घर से कुछ भी नहीं खा गया था मैं, भूख भी बहुत तेज लग रहा है। ठीक है काम ख़त्म करके खाते हैं उसके बाद जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, डुबरी 15 किलोमीटर और तालचेर चंडीखोल दैतारी 53 किलोमीटर। भाई यहाँ से सीधा शायद, भाई यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा एकदम सीधा। भाई ये कॉल आ गया था अंकल का, इसलिए भाई रुकना पड़ गया, मतलब ब्लॉग ऑटोमेटिक पॉज हो गया भाई, कॉल आ गया था ना इसलिए। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से, तो ये सिर्फ एक रोड है, चलो भाई दबा के चलते हैं और आपसे ही ऐसे बातें करते जाएंगे। भूख लग रहा है बहुत ज़्यादा यार, यहाँ से यार 10-12 किलोमीटर दूर होगा शायद, पता नहीं मुझे। देखो भाई फिर से गाड़ी रुक रुक के चल रही है, मतलब जा रहा है सडन रुक जा रहा है ऐसे। भाई पेट्रोल तो फुल है यार, आप देखो पेट्रोल एकदम फुल है भाई, देखो ये क्या बंदी चक क्या है। आने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं। भाई बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं उसके बाद जाएंगे। भाई प्यास भूख एक साथ लग रहा है मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया भाई। कितना बजा अभी, 12:15 हो चुका है, लेकिन मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। भाई देख रहे हो लॉगेज कितना है भाई, 2 बैग है भाई। भाई पता नहीं मुझे मतलब ऐसा क्यों फील हो रहा है यार, मतलब एक अजीब टाइप का फील हो रहा है मुझे। भाई ये कौन सी जगह है यार, मलेरिया? अरे यहाँ मच्छर देख यार, इधर मलेरिया जगह है ये, और आगे जगह आएगा टाइफाइड समझ रहे हो आप, टाइफाइड आएगा जाजपुर रोड। भाई यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और उसके बाद थोड़ा पानी पीते हैं उसके बाद चलेंगे, क्योंकि भाई भूख और प्यास मुझे बहुत तेज लग रहा है, सच बता रहा हूँ।
साइड में थोड़ा रुकते हैं, इस साइड में रुकते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। ओ भाई, भाई ज़्यादा हाइट होने का यही प्रॉब्लम है भाई। भाई अभी पहुंचने ही वाले हैं, और कितना दूर है, और शायद 6-7 किलोमीटर दूर होगा, शायद ज़्यादा दूर नहीं है। बस अभी पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, देवगा रेमाड़ा छक्को पानी कोयली व्यासानगर। हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, रामचंद्रपुर। भाई यहाँ पे बाइक का दिखा रहा है भाई 40 किलोमीटर एवरेज स्पीड, ठीक है, मतलब मेरा चल रहा है कितना, 57। लक्ष्मी नारायण सरकारी उच्च विद्यालय रामचंद्रपुर। यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा भाई, तो भाई यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है भाई, 100 किलोमीटर ड्राइव करके मैं आ गया भाई। यहाँ पे माँ फुटवेयर लिखा है, लेकिन मुझे सिर्फ खाने की नाम दिख रहा है भाई, मुझे लग रहा है कि ये माँ फास्ट फूड है। मुझे सिर्फ फास्ट फूड दिख रहा है भाई, इतना ज्यादा भूख लग रहा है ना भाई, मुझे सिर्फ खाने की नाम दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं। चलो भाई हम लोग चलते हैं, और 3 किलोमीटर दूर है, और हम लोग भाई ऐसे ही एंजॉय करके जाएंगे भाई। मेरा हाथ यहाँ से, मतलब यहाँ पे क्या है, नुआगांव भाई, घट्टोगा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, जाएंगे क्या, देखते हैं भाई टाइम होगा कि नहीं, पता नहीं। भाई अभी कितना बजा है, 12:35 हो चुका है भाई। भाई मैं निकला था कितने बजे, 9:30 या 10 बजे निकला, 10 बजे निकला था शायद, हाँ 10 बजे निकला था, अभी 12:35 हो चुका है भाई। मैंने आपको बोला था ना कि 1 बजे के अंदर पहुंच जाएंगे। होटल आरके भाई, मुझे सिर्फ होटल ही दिख रहा है भाई। एसटी जाबेर इंटरनेशनल स्कूल साईकुल, भाई साईकुल पहुंच गया क्या, भाई मैं साईकुल क्रॉस करके आ गया शायद, पता नहीं भाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, घटका रिमुड़ी और है केउंझर। नहीं भाई आगे है, यहाँ पे लिखा है साईकुल बस स्टॉप, बस स्टॉप साईकुल। भाई क्या बताऊँ आपको यार, भाई लाइफ में एक ऐसा, मतलब एक ऐसी चीज आती है जो आपको एकदम चेंज कर देती है, लेकिन उसके बाद जब वो चीज चली जाती है ना, तो भाई कितना दुख होता है ये मैं शेयर नहीं कर सकता यार। भाई इस साइड से शायद, पता नहीं,
पे थोड़ा अंकल को कॉल करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई।